नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में। गर्भ में अंडा चिपकने के बाद यानी कि जब बच्चा गर्भ में चिपक जाता है तो महिलाओं के शरीर में उनकी ब्रेस्ट में क्या बदलाव आते हैं, ये बदलाव जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं 80-90% महिलाओं में देखे जाते हैं, जो कि बताते हैं कि अब आपका गर्भधारण हो चुका है। क्योंकि ब्रेस्ट एक हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट है जो पहले और बाद में जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तब तब उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे ही आपका गर्भधारण होता है, बच्चा चिपकता है, प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स भी बनते हैं जो आपके ब्रेस्ट में भी चेंजेस लेकर आते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट ही एक ऐसा जरिया है जो आफ्टर डिलीवरी आपके बच्चे को दूध पिलाने का काम करता है, उसका पेट भरने का, उसके डेवलपमेंट में काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में जो कि आपके ब्रेस्ट में दिखने वाले हैं, तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका गर्भ में बच्चा चिपकता है तुरंत आपके ब्रेस्ट में चेंजेस नहीं आते हैं। काफी महिलाओं को पीरियड आने से पहले भी अपने ब्रेस्ट में चेंजेस दिखते हैं, लेकिन ब्रेस्ट में चेंजेस प्रेगनेंसी के कारण है या पीरियड के कारण है वो आज हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब महिला का गर्भधारण हो जाता है और उनकी डेट मिस होने से पहले 5 से 6 दिन पहले आप अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगी आपका ब्रेस्ट आपको भारी भारी महसूस होगा, उसमें हेवीनेस आपको महसूस होगा, उसमें टाइटनिंग आपको महसूस होती है। और ये टाइटनिंग, ये भारीपन इस कारण होता है क्योंकि इस दौरान ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत तेजी से आपकी बॉडी में, आपकी ब्रेस्ट में होता है। कुछ चेंजेस हॉर्मोन्स के कारण होते हैं जो आपकी ब्रेस्ट को भी इफेक्ट करते हैं। साइज में बदलाव नहीं आता है लेकिन आपको इंटरनली फील होता है कि आपकी ब्रेस्ट बढ़ चुकी है। ये दिखने में आपको फील नहीं होता है या कुछ भी तरीके से आपको फील नहीं होगा, ना आपकी ब्रा में कोई चेंजेस आएगा ब्रा के साइज में, बट आपको इंटरनली महसूस हो कि भारी आपकी ब्रेस्ट हो गई है, ब्रेस्ट में आपको तनाव झनझनाहट महसूस हो रही है, तो आपका गर्भधारण होने का ये संकेत है। दूसरा, आपकी ब्रेस्ट में इस दौरान काफी महिलाओं की ब्रेस्ट में नीली रंग की नसें दिखने लगती हैं, जो कि ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन के कारण होती है। और ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन तब होता है जब आपके गर्भ में बच्चा आकर आरोपित होता है, आपकी बॉडी को डबल मात्रा में काम करना होता है, जिसका असर आपकी ब्रेस्ट में भी दिखता है, जो बताता है गर्भधारण का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगला होता है आपके निप्पल में चेंज आता है, निप्पल अब आपके हार्ड होने लगती है। काफी महिलाओं के निप्पल की ऊपरी जो सतह होती है उसमें हल्की हल्की पापड़ी यानी कि उसमें हार्डनेस आने लगती है, जो कि प्रेग्नेंट होने की तरफ इशारा करती है। पहले महिलाओं के निप्पल सॉफ्ट होते हैं लेकिन अब इस आपके निप्पल में उभार आने लगेगा। निप्पल में हल्का फुल्का निप्पल के आसपास एरियोला में आपको मिल्क डक्स यानी कि दाने नजर आने लगेंगे, जो बताते हैं कि अब ब्रेस्ट भी अपना रूप चेंज करने वाली है, वो दूध बनने के लिए रेडी हो चुकी है। मिल्क डक्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होने की तरफ ही इशारा करते हैं। निप्पल्स में आपको हल्का फुल्का दर्द जो कि पीरियड आने से पहले आपको महसूस होता है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द इस टाइम में आपको महसूस होता है। आपकी ब्रेस्ट में भी आपको दर्द महसूस होता है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन के कारण और प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स के कारण होता है, जो नॉर्मल डेज में आपको नहीं महसूस होता। ये दर्द निप्पल में और ब्रेस्ट में ऐसा होता है जिसे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। जिन महिलाओं ने गर्भधारण किया है, जो पहली बार मां बनने वाली हैं, वो इस दर्द को बयां कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पहली बार मां बनने जा रही हैं तो ये दर्द बहुत अनोखा होता है ब्रेस्ट में और निप्पल में, जो बताता है आपका गर्भधारण हो चुका है, आपका 9 महीने का सफर यहीं से शुरू होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम में एक और नई वीडियो में। नमस्कार।